भैया क्या हो गया? जी बिजली को क्या हो गया? ये पत्ती क्या चल गई? ये पत्ती कैसे चली गई? अरे देखो भाई, कहीं ट्रांसफार्मर तो नहीं फूक गया? अरे प्रकाश, देख जरा गली के चौक के खंबे की तारों में आग तो नहीं लग गई? हाँ देखना बेटा, देखना जल्दी देखना। राम जी, अरे ये सब बिजली विभाग की वजह से हुआ है। अरे पता नहीं कहाँ की दुश्मनी है हम लोगों से है? जब देखो शादी ब्याह या और कोई मौका हो, हम लोगों की बिजली छट से काट देते हैं। ये कोई तरीका है? ये कितनी कटौती करते हैं बिजली वाले बिजली की, घर में के बोरे में भर के रखते हैं बिजली। हफ्ते भर की बिजली कटौती का कोटा तो कल ही पूरा हो गया, फिर आज उन्होंने बिजली को काट दी। रुपये तो गड़बड़ हो गई है। अरे भैया आप लोग चिंता ना करो, मैं जरा देख क्या। विक्रम भाई साहब, आप अकेले जाने से कुछ नहीं होने वाला, हम आपके साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये बिजली विभाग जो है लाइट कैसे नहीं चालू करता है। आइए चलिए। अरे विक्रम बेटा तू रुक, मैं भी आता हूँ। रुको भाई साहब, मैं भी चालू। अरे संध्या बीनणी आ रही है, स्वागत की तैयारी करनी है। अब ज्यादा लोग जाओगे ना तो ज्यादा असर पड़ेगा। अरे चलो ले लुगाइयां, सब चलो। अब मैं भी चलती हूँ, बॉस जमाने के लिए मैं भी अच्छी हूँ। आ जाओ सारे साथ में चलते हैं। मोहित घर पे रह, घर पे चलो। ठीक है अब जाके चलो जी, सब चलते हैं। भाई जी गाड़ी रोकना। पापा ये कैसे होगा? समझ गए, चलो ठीक है जाओ पढ़ो, मैं आता हूं। नमस्ते। आपके बच्चे यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करें भाई साहब, घर पे बत्ती नहीं है। मतलब आपके घर पे ना है या फिर पूरे इलाके में ना है? जी नहीं, कहीं नहीं है। लोड शेडिंग करनी है तो दिन में करनी चाहिए ना, रात में काटते हैं। बच्चे इधर उधर भागते फिरते हैं कि उन्हें कोई जगह मिल जाए जहाँ किताबों में छपा उन्हें साफ दिखाई दे, इसीलिए हम लोग यहाँ जाते हैं। प्लांटिंग की वजह से आंखें बहुत दर्द करती है और इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। बेटा मैं चाय पी के आता हूँ, तुम सब पढ़ाई करना। पापा देखिए, आप सब लोग मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए, और ये जो आप लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है ना, ये बेवजह है। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जाइए जी। मैम हम समझ गए आपकी बात, हम जानते हैं कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और हम उसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, पर हमारी भी थोड़ा मजबूरी को समझिए ना जी। मेहनत बहुत ज़्यादा लगाई है हमने, हमारी भाभी आ रही है, पूरे 11 महीने के बाद आ रही है, हैदराबाद से इतनी दूर से आ रही है, थोड़ी तो बात समझो। अरे ऐसे तो पुष्कर में रोज किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का जमाई आते जाते रहते हैं, तो हम उन लोगों के हिसाब से काम करेंगे क्या है? नियम के हिसाब से जितनी बिजली काटनी है आप काट चुके हो। हाँ। लेकिन आज क्यों काट रहे हैं बिजली? अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ आके बैठ जाओ और सारे सवालों का जवाब खुद दो। कहाँ से आ जाते हैं? मैं तो कहती हूँ सारी बातों पे मिट्टी डालिए, ना आपकी ना मेरी। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता रखते हैं, आप ना आधे घंटे के लिए जला दो, बस वो आ जाएंगे, हम खुद फोन कर देंगे कि जो बिजली काट लो काट लेना। हाँ जी ठीक है साहब जी, मारा छोरा ना मारी बिरणी ने लेकर आता ही होगा, बस थोड़ी देर को तो सवाल है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए यहाँ से जाइए। मुझे लगता है कि एक बार मुझे बिजली के दफ्तर में फोन करके पता करना चाहिए।
ये बत्ती कब तक आएगी? हाँ सूरज जी, ये अच्छा रहेगा। हेलो बिजली विभाग। हाँ भाई जी, वो मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो आज अपने इलाके में बिजली क्यों ना है? वो दरअसल बात ये है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये बत्ती कब तक आएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप बत्ती चालू करा दें तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। अच्छा तो रहता, बट वो केवल आपको अच्छा लगता है। लेकिन हम यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बच्चों की परीक्षा चल रही है, किसी की बहू आ रही है, किसी की बेटी आ रही है, है? सबके हिसाब से हम बिजली देना चालू कर देंगे क्या? अरे कल को अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो उसका जवाबदेही कौन करेगा? नहीं नहीं भाई जी, आप लोग तो अपना काम निकलवा कर चल देंगे और बाद में फजीहत किसी होगी? मेरी, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, ठीक है ना? अरे मेरी बात काट दिया संदेश जी, उसने फोन काट दिया। सूरज जी एक बार मैं बात करके देखूं। आप सब लोग जाओ यहाँ से, मैंने क्या बोला? बिजली चालू नहीं होगी। जाओ अपनी बारात लेके जाओ फौरन। तो आग बरस रहे हैं। फौरन जाइए। कौन है बार बार फोन कर रहा है? हेलो, अरे ये बिजली विभाग है, कोई धर्मशाला नहीं है। देखिए आपने हमारी बिना बात सुने ही फोन काट दिया था, इसलिए हमें दोबारा फोन करना पड़ा। मैं सूरज राठी की पत्नी संध्या राठी बोल रही हूँ। तो क्या करूं मैं? है? आखिर आप हैं कौन? कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, जो इतना रुबाब झाड़ रही हो? अरे आई संध्या राठी, अरे वो कलेक्टर है ना मजिस्ट्रेट मीनाक्षी। अरे वो तो हमारी जिठानी है, और हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आई है आईपीएस ऑफिसर बनने की। ये मीनाक्षी ही है। हाँ, पुष्कर शहर की नई एएसपी संध्या राठी। बाबा साहब ये जी, वही तो हम आपको आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम भैया, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सॉरी मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफ कर दीजिए। पुष्कर शहर में आपका स्वागत है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी जी मैडम, बिजली तुरंत चालू हो जाएगी मैडम। देखिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप अपना काम ही कर रहे हैं। दरअसल आजकल बच्चों की बोर्ड्स की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में अगर आप रात को बिजली ना काटे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बच्चों की परीक्षा होने तक बिल्कुल भी बिजली नहीं कटेगी। थैंक यू जी। नमस्ते मैडम। तुम लोगों ने भी अब बताया ये सब, हटो यहाँ से, हटो। अरे बिजली देने जाना, हटो। अरे इन्हें क्या हो गया, ये तो घबरा गए क्यों? राम जाने। बच्चों अभी थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, और जब तक आप लोगों की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक बिजली भी नहीं जाएगी। आपका बहुत धन्यवाद। अरे बाबा साहब, ये एएसपी लगाते ये बिलोटा चूहा कैसे बन गया? मैं भी लगा लूं अपने नाम के आगे। देखिए लिपस्टिक है क्या तू? आप कह रहे हैं अपने नाम के आगे लगावेगी? एएसपी 11 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़े, कितने दिनों की मेहनत करनी पड़े। ये एएसपी आवनिया वाली बातें करेगी, चौथी फेल। हटिए हटिए प्लीज, हटिए प्लीज प्लीज हटिए। अरे बाप रे, ओह भाई साहब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सर दर्द हो गया, दवाई वाई बिला दूं मैं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेकत से तो आपने कह रहा था कि मारी बिनड़ी ना घर आ रही, पर आप हो कि मारी बात में अनसुनी करो, और अब देखो झट से खड़े होकर बिजली चालू करवाने के लिए चले। और नहीं तो के कब से हाथ जोड़कर खड़े हैं,
कि बिजली दे दो बिजली दे दो, पर ते सुनने के लिए तैयार को नहीं। हाँ अरे तो आप लोगों ने बताया होता ना कि संध्या राठी आईपीएस ऑफिसर के घर वाले हैं आप लोग, मैं तुरंत बिजली चालू कर देता। आखिर उनके परिवार वालों की बात कोई टाल सके है क्या? जी आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी, नाम से 15-20 किलो वजन बढ़ जाता है ना। ये तो कह रहा हूँ तुझे, नाम से ही बहुत फायदा होने वाला है। ये तो संध्या भाभी का नाम नहीं, आईपीएस संध्या राठी बोलने से पूरे पुष्कर में आधे काम ही पड़ जाएंगे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।